हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल्स इंजीनियर प्रेम्स कुमार। यदि आप जावा डेवलपर हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखें। हम इस वीडियो में कवर करेंगे कि जावा डेवलपर को कौन कौन से टॉपिक्स पे अधिक कमांड करनी चाहिए। तो फर्स्ट मेरा टॉपिक्स है ओप्स कंसेप्ट। ओप्स कंसेप्ट में बहुत सारी कंसेप्ट आती है, जैसे डेटा एब्स्ट्रैक्शन, इनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस और पॉलीमॉर्फिज्म। ये होता है जावा का पिलर। जो अगर आपको मालूम नहीं है तो इसका मतलब आपको जावा नहीं आती है। ओप्स कंसेप्ट बताता है कि हम लोग किसी भी प्रोग्राम को, किसी भी रियल लाइफ सिचुएशन को कैसे हम लोग उसे एक प्रोग्राम के फॉर्म में डेवलप कर सकते हैं। ओप्स कंसेप्ट इज द जावा आर द मेन आइडिया बिहाइंड द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। They are the abstraction, encapsulation, inheritance and polymorphism. Crafting them is key of the understanding how Java works. Java कैसे काम करता है ये भी इसमें ये बताता है। Second मेरा topics है basic Java construct like loops and data types. अगर आप Java में loops और डेटा टाइप्स नहीं जानते, जैसे लूप्स हमारे पास तीन होते हैं, दो हो ही लूप्स होते हैं, बट हम लोग एक और लूप्स को ऐड करते हैं इनहेंस फॉर, सिंपल लूप, फॉर लूप, वाइल लूप, डू वाइल लूप्स एंड इनहेंस फॉर लूप। उसी तरह डेटा टाइप्स हमारे पास प्री डिफाइंड 8 होते हैं और कुछ अपने से डेटा टाइप्स जैसे कि क्लास बना सकते हैं। तो इन सभी की नॉलेज आपको होनी चाहिए। थर्ड हमारा टॉपिक्स है स्ट्रिंग हैंडलिंग। स्ट्रिंग को हैंडलिंग करने यानी कि हैंडल करने आपको आनी चाहिए। स्ट्रिंग बहुत सारे मेथड डायरेक्टली प्रोवाइड कराता है जिससे कि आप किसी भी सिचुएशन को स्ट्रिंग टाइप को हैंडल कर सकते हैं। जैसे स्ट्रिंग को ट्रिम करना, इंडेक्स ऑफ निकालना, उसका लेंथ निकालना, बहुत सारे एक्टिविटी डायरेक्टली परफॉर्म कर सकते हैं आप स्ट्रिंग के मेथड से। इसका सब ड्राइव क्लास भी है, स्ट्रिंग बफर क्लास, बहुत सारे क्लास हैं इसे। तो हम लोग इनका यूज करके स्ट्रिंग पढ़ते हैं। तो जावा डेवलपर के लिए स्ट्रिंग भी बहुत इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट मेरा टॉपिक्स है कलेक्शन फ्रेमवर्क एंड मल्टी थ्रेडिंग। कलेक्शन आई होप कि आप लोग जानते होंगे, कलेक्शन इज द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर द जावा। विदाउट कलेक्शन यू कैन नॉट बी डेवलप एनी प्रोजेक्ट। एंड मल्टी थ्रेडिंग, द कलेक्शन इन जावा ए फ्रेमवर्क दैट प्रोवाइड्स कैन द आर्किटेक्चर टू स्टोर एंड मैनिपुलेट द ग्रुप ऑफ द ऑब्जेक्ट्स। ऑब्जेक्ट को रखने के लिए कलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे ऑब्जेक्ट को एक साथ रख सकता है जो प्रोवाइड कराता है कलेक्शन। एक क्या है, इंटरफेस है, क्लास नहीं है, एक इंटरफेस है जिसमें बहुत सारे ड्राइव्ड सम क्लासेस हैं और इंटरफेसेस हैं, जैसे कि सेट, लिस्ट, क्वी, डी क्वी एंड अदर क्लासेस, एरे लिस्ट, वेक्टर, लिंक लिस्ट, प्रायोरिटी क्वी, हैश सेट, लिंक सेट, एंट्री सेट। इस टाइप के कंसेप्ट को प्रोवाइड कराता है कलेक्शन। हम देखते हैं मल्टी थ्रेड होता क्या है। मल्टी थ्रेड इन ए जावा इज ए प्रोसेस ऑफ द एग्जीक्यूटिंग मल्टीपल थ्रेड साइमल्टेनियसली। ए थ्रेड इज द लाइट वेट सब प्रोसेस, द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द प्रोसेसिंग। मल्टी प्रोसेसिंग एंड मल्टी थ्रेडिंग बोथ आर यूज टू अचीव मल्टी टास्किंग। मल्टी टास्किंग फैसिलिटी भी हमें प्रोवाइड कराता है कौन, मल्टी थ्रेडिंग। नेक्स्ट मेरा है एक्सेप्शन हैंडलिंग। आई होप कि आर यू अंडरस्टैंड एक्सेप्शन। एक्सेप्शन इट मीन्स एनी टाइप्स ऑफ द रन टाइम एरर। एक्सेप्शन हैंडलिंग आपको आना चाहिए, जैसे कि ट्राई, कैच, थ्रो, थ्रोज एंड फाइनली, इस टाइप के एक्सेप्शन को आपको हैंडल करने आने चाहिए। इफ यू आर एक्सेप्शन occurs within the try block, it is the thrown, your code can catch this exception. अगर try में कोई exception आता है तो उसे catch में भेजना चाहिए या finally में। direct हम finally भी यूज कर सकते हैं but catch का यूज करते हैं। next आपको topics का ध्यान रखनी चाहिए synchronization, serialization and deserialization, concurrent collection and generics. आई होप कि आप लोग सीरियलाइजेशन जानते होंगे। सीरियलाइजेशन एक कीवर्ड है इन द जावा यूज टू प्रोवाइड द म्यूचुअली, म्यूचुअली व्हाट इज द म्यूचुअली एंड एक्सक्लूसिवली एक्सेस टू ए शेयर्ड रिसोर्स विद द मल्टीपल थ्रेड्स। इन द जावा सिंक्रोनाइजेशन
in the Java guarantee that number of the two threads can be execute synchronization. Synchronize करना मतलब कि asynchronize मतलब without any interactions, मतलब अंदर ही अंदर ही काम होते रहे और बाहर कुछ दिखे नहीं, इसको बोलते हैं asynchronous. और synchronous मतलब होता है कि दिखे exception, मतलब कि बटन पे क्लिक होगे तो उसका कुछ इफेक्ट हो. serialization मतलब कि एक हायरार्की के फॉर्म में होनी चाहिए. और कंकरेंट कलेक्शन यानी कि ऑब्जेक्ट का कलेक्शन जो इजीली हमें प्रोवाइड हो सके. जेनेरिक्स आई होप कि यू आर जानते होंगे कि जब भी हम एरे लिस्ट या कलेक्शन का भी यूज करते हैं तो उसमें जेनेरिक्स कीवर्ड होता है. जैसे ग्रेटर देन लिस्ट देन आप देख रहे होंगे, उसमें हम लोग देते हैं जी एक जो एरे लिस्ट है किस टाइप का है, स्ट्रिंग टाइप का है या किसी पार्टिकुलर क्लास के टाइप का है, तो उस टाइप के हम लोग देने के लिए जेनेरिक्स पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रोजेक्ट में यूज करते हैं. Thank you so much watching my video.